पानी जो है ना पीने में इतना मज़ा आता है, मतलब मैं हमेशा सुबह उठ के मेरा पहले गर्म पानी पीती हूँ। तो गर्मियों में तो चलो ठीक है, लेकिन इस मौसम में, ठंड के मौसम में, ग्लास को ऐसे पकड़ के पीने में बहुत मज़ा आता है। सो ये आपके उसके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है, गर्माहट भी देता है। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मानसी ब्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 5:40, तो अराउंड 5:30 के अराउंड मैं उठ गई थी। सो गर्म पानी पी रही हूँ, चाय जस्ट चढ़ाया है, सो चाय बन रही है। तो इन्हें का आज से ऑफलाइन क्लास, स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। सो वही मॉर्निंग में उठना, ऑनलाइन क्लास होता है तो क्या होता है ना, 15-20 मिनट पहले भी उठ जाते हो तो भी हो जाता है, धीरे धीरे बच्चा पढ़ता है, अब तब तक आप सब कर लेते हो, लेकिन ऑफलाइन क्लास में वो नहीं होता है। तो कल सोने में भी मुझे थोड़ा लेट हो गया, बिकॉज कल ना पावर कट था तो मेरा वीडियो एडिट नहीं हो पाया था शाम को, तो रात को मैं थोड़ा लेट हो गया मुझे। चलो एनीवेज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा घी, मैं थोड़ा सा ओट्स और इसको ना घी में रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। तक ओट्स रोस्ट हो रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, इनको आप क्रश कर सकते हो, पाउडर बना सकते हो अपने हिसाब से, है ना, कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो, किशमिश भी पक्का लेना, वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा खत्म हो गया है। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको इसमें डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो ये अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसमें डाल देंगे दूध। तो अभी जो ओट्स है ना वो अच्छे से कुक हो गया है, तो इस पॉइंट पे मैं इसमें गैस मैंने बंद कर दिया है, गुड़ डाल रही हूँ, मैंने दूध फटने का डर रहता है। अगर चीनी डाल रहे हो आप तो आप वो स्टार्टिंग में ही डाल सकते हो, तो गुड़ और चीनी अपने हिसाब से, मीठा जैसा आपको करना है। और बस ये बन गया, ये बहुत हेल्दी होता है, काफ़ी टेस्टी होता है, तो आईने को भी काफ़ी पसंद है। तो आप इसको ओट्स का खीर बोल सकते हो या फिर ओट्स पॉरेज बोल सकते हो, तो ये ऐसा कुछ है। अनन्या का नाश्ता बन गया है, वो जब तक ठंडा हो रहा है आई गोइंग टू एंजॉय चाय, और उसके बाद फिर अनन्या के लिए आज ना पनीर के पराठे बना के दे रही हूँ स्कूल के लिए। सो पनीर का मसाला मैंने रात को ही रेडी कर लिया था, तो ये जस्ट बेलना है और बस हो जाएगा। पहले चाय पीते हैं, उसके बाद फिर अनन्या को उठाऊंगी। तो उसको अराउंड मैं 6:15 के अराउंड उठाती हूँ, वो तो उठ जाती है। और ये चाय में मैं डाल रही हूँ गुड़, गुड़ का पाउडर है जो मैंने बहुत बार शेयर किया है। और बिस्किट में ना न्यूट्री चॉइस के साथ आजकल मैं क्रैकर भी लेने लग गई हूँ, लेके आती हूँ आजकल, अच्छा लगता है मुझे बहुत। ये ना बहुत टाइम वाला को दिखाया था ना मैं लेके आई थी, तो उसके बाद से अभी मेरा यही चल रहा है क्रैकर, तो बहुत अच्छा लगता है। और ना मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, यहाँ पर देख रहे हो एक दाना सा यहाँ पे हल्का सा, पता नहीं क्या हुआ है। पहले हल्के से ना एक महीना पहले मुझे ये ना फील हो रहा था हल्का सा ऐसा दाना सा, और आज देख रही हूँ हल्का सा रेडिश है और हल्का सा ना पेनफुल है, तो देखना पड़ेगा एक दिन आध दिन कैसा रहता है, ये भी दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। सो आ गई मॉर्निंग की चाय और बड़े से स्माइल के साथ, चीयर्स है, हैप्पी वाला स्माइल है। चलो चाय एंजॉय करती हूँ फटाफट, एंजॉय करने का तो टाइम नहीं है, फटाफट आज पीना पड़ेगा, जब शूट कर रहा हूँ तो हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी उसके टिफिन के लिए और उसके बाद फिर उसको उठाते हैं। बस बन गया चाय। सो जस्ट चाय पीते पीते ना उसको एक बार आवाज़ लगा के आती हूँ, क्योंकि एक बार मुठती है ना तो फिर कहती है 5 मिनट दो 5 मिनट दे दो, तो मैं नाश्ता जो टिफिन बनाती हूँ उससे पहले मैं उसको जाकर ना एक बार आवाज़ लगा देती हूँ, तो फिर उसको 5-10 मिनट मिल जाता है सोने के लिए, उसके बाद फिर टिफिन पैक करके उसके बाद फिर उसको उठाती हूँ। सो 2-3 स्टेप में चलता है उठाने का प्रोसेस। Still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Ooh, 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 ooh. Oh, it hurts.
काट देती हूँ, उससे ना पकड़ के खाना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये हो गया अन्या का आज टिफिन, पराठा, और साथ में दे रही हूँ एक केचप और एक ये क्रीम ब्रेड आता है वनीला का वो, क्योंकि बस काफ़ी बार ना इनके आजकल फंसने लगी है ना, बारिश होती है तो ट्रैफिक जाम वगैरह रहता है। तो स्कूल से स्पेसिफिकली बोला है कि कुछ स्नैक्स वगैरह साथ में रखो, कि बाई चांस अगर बस कहीं पे यू नो लॉन्ग हो जाए ट्रैफिक जाम में फंस जाए तो बच्चा भूख लगे तो कुछ खा सके। तो ये है अन्या का आज का टिफिन, तो उसका टिफिन बैग लेके आई उसको टिफिन देने के लिए। देखो टिफिन बैग से क्या क्या सब निकलता है, यूनिकॉर्न्स निकलते हैं हमारे टिफिन बैग से। तो उसको हमेशा मैं वेट वाइप और एक टिशू दे देती हूँ, ड्राई टिशू, तो नेवर नो कब लगता है। तो यहाँ पर गया उसका टिफिन, टिफिन और पानी रेडी, सब हो गया। बैठने को उठाऊंगी सिक्स टेन ओ क्लॉक के करीब हो रहा है, 6:10 के करीब हो रहा है, और बाहर भी हल्की सी उजाला स्टार्ट हो गया है, बारिश नहीं है थैंक गॉड। कल भी बारिश नहीं थी तो ड्राई हो गया थोड़ा, मैंने रास्ते वगैरह सब गीले गीले थे, ये थोड़ा सा सब सूख गया, ड्राई ड्राई हो गया। चलो अन्य को उठा के लेके आते हैं। आज आपको और जल्दी सो जाना फिर, है ना पानी पी। सो फाइनली बाहर भी उजाला हो गया है, हमारे अन्या की भी चोटी बन गई है, चोटी बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसका, चोटी बन जाए तो अन्या फटाफट रेडी हो जाती है ना। चलो रेडी हो जाए, अभी तक नींद नहीं खुली, यूनिफॉर्म पहनना है। अच्छा गुड मॉर्निंग तो बोलता अपने, गुड मॉर्निंग। ये एक नेल है ये मुझे काटने नहीं देती है, हाँ आज मैम देखेगी ना फिर डांट लगाएगी, फिर देखना मैं बोलूँगी नहीं काटने को, आँखें रेड हो रही है तेरी। चल उठ 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 उठो, सारे बाल बनाए सब बाल खराब करेगी। अरे हाँ उठ, मतलब मुंह धोने के बाद किसको ऐसे ब्रश व्रश करने के बाद किसको नींद आती है, सवेरे का छोड़ के फिर आंख रब कर रही है तभी किसकी तेरी आंख लाल हो रही है। चलो उठो, हाय कितना मस्त हो रहा है, कितना मस्त लग रहा है बाहर देखने में, देख तो उठ के जरा बाहर ग्रीन ग्रीन। चल लेट होएंगे, चल खड़ी हो यूनिफॉर्म पहन, चल 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 गेट अप गेट अप, मैं भी रेडी हो रही हूँ, चल उठ उठ अन्या उठ। अन्या पापा को अभी सबसे ज्यादा मिस कर रही है क्योंकि पापा ऐसे टाइट करके अन्या का स्कूल का बेल्ट बांधते हैं, इतना टाइट बांधती है ना, उससे भी बांधा जाता है, इतना टाइट है पेट में दर्द हो जाएगा इसके। लेकिन अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, पापा से कैसे बंधवाएगी, अब तो मम्मा ही है चलो जैकेट पहनो, हॉट ठंडे हो रहे, जैकेट पहनो। सो अन्या कहती कितना अच्छा लग रहा है, बारिश नहीं है, पूरा सूखा सूखा है, अन्या के पैर कीचड़ कीचड़ नहीं हो रहे हैं ना अन्या। सो गई अन्या स्कूल, आज घर में एंटर होके ना घर खाली लग रहा है, बिकॉज इतने दिन एटलीस्ट ये अच्छा था कहना कि ऑनलाइन क्लासेस थी ना, तो सुबह आज गया तो एटलीस्ट अनन्या थी मेरे पास साथ घर पे, तो अभी नहीं है वो, तो आज अभी फील हो रहा है ऐसा थोड़ा, घर में घुसते ना सुभाष रहते हैं ना, और ये देखो चौक से पूरा अनन्या। सो इसलिए थोड़ा सा ऐसा घर ऐसा लग रहा है कि खाली खाली सा है। यहाँ पे ना थोड़े से छोले भिगो दिए थे, बहुत दिनों से छोले छोले कर रही है, तो देखते हैं छोले और शायद पूरी बनाए आज। सो कुछ दिनों से कर रही थी छोले पूरी, और आजकल सुबह से बात होती है ना तो वही बोलती है मम्मा पापा पता है आजकल घर की डिमांडर मैं हूँ, डिमांडर मतलब घर में जिसकी डिमांड्स पूरी हो रही है आजकल ना, तो क्योंकि सुभाष रहते थे तो सुभाष बोलते थे कि चलो ये बना दो खाना, तो मोस्टली ऑब्वियसली सुभाष की ज़्यादा सुनती थी, तो मेरे पापा मैं घर की न्यू डिमांडर हूँ, माँ डिमांड करती है तो मम्मा मेरी बातें सुनती हैं आजकल। तो चलो आज उसको छोले पूरी खाना, तो देखते हैं कैसा रहता है, छोले पूरी बनाते भी कुछ और, तो सोफा तो मेरा वही प्लान है छोले पूरी और पनीर का पराठा मैंने अनन्या के लिए बनाया था ना मॉर्निंग में, तो अपने लिए भी बना लिया था। तो अभी अब मैं नाश्ता करती हूँ, थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। सो बीच बीच में जो प्लांट्स होते हैं ना उनके जो पत्ते सूख जाते हैं इनको निकालना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर घास उग गई है इनको भी निकालना ज़रूरी है, इसको आप यहीं पर छोड़ सकते हो, ह्यूमस का काम आता है, इतने मस्त हो रहे हैं बिल्कुल हरे हरे सब, इसको सिर्फ झाड़ दो ना तो सारे पत्ते जो ड्राइड वो होते हैं पीले पीले अपने आप ही झड़ जाते हैं।
ये मैं गोवा से लेके आई थी, अब जाके इतना हरा हरा हुआ है। गोवा से मतलब 2-3 साल पहले स्टंटेड से ही था। और ये मेरे अंदर का जो पौधा है इसको मैंने आज बाहर रख दिया है, आज नहीं इनफैक्ट कल ही निकाल लिया था आई गेस। थोड़ी इसको भी बारिश वारिश लग जाएगी ना तो सही हो जाएगा। और ये मनी प्लांट जो है इसका कलर देखो कितना मस्त, बिल्कुल कलर है इसका सब ब्राइट, आंखें ऐसे बिल्कुल देखती ब्राइट हो जाती हैं आंखें भी। सो नहाना वाना हो गया, सारे काम कर लिए थे, उसके बाद टुक अ शावर। और मुझे ना यानी ना कि जो बर्थडे ड्रेस है ये इतने दिनों से ना मुझे था कि धोना है, वेट करी थी अच्छी सी धूप आए ना फिर उसको, क्योंकि हैंड वॉश करना होता है, ड्रायर में आप डाल नहीं सकते, मशीन में डाल नहीं सकते। सो ये आज वॉश कर लिया है इसको, सुखाते हैं। सो ये देखो आगे मेरे नए मुरमुरे के पैकेट, ये ना प्रो नेचर का मंगाती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इसके, क्रंची और खुशबू भी काफ़ी, वो जो हम गाँव में खाते थे ना देसी टाइप के वैसे होते थे क्या मतलब, वैसे होते हैं बिल्कुल, तो मुझे काफ़ी पसंद है। चलिए बनाते हैं छोले। आज मैं बहुत सिंपल तरीके से छोले बना रही हूँ और ये ना बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। जनरली मैं जब फास्ट वगैरह होता है ना तब जो छोले पूरी बनाती हूँ ना तो इस टाइम में बनाती हूँ, तो अनन्या वही बोल रही थी कि मम्मा वैसे ही बनाना जैसे आप जब फास्ट करते हो तब बनाते हो ना, तो जस्ट दैट मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ, तब मैं लहसुन नहीं डालती हूँ। तो सिंपल मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर थोड़ा सा जिंजर और ये धनिया पत्ता, आप हरी मिर्च भी डालना और लहसुन अगर व्रत है तो मत डालना, अदरवाइज थोड़े से मैं लहसुन ले रही हूँ। अभी इन सबका ना मैं सिंपल पेस्ट बनाने वाली हूँ, तेल में फ्राई करने वाली हूँ, दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो आपने से बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेजेस कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग सुभाष को बहुत मिस कर रहे हैं मेरे व्लॉग में। सो मैंने सुभाष को बोला तो था कि अपने रूम का जो है ना एक टूर दे या फिर कुछ मैं एक वीडियो शूट करे, बट टाइम डिफरेंस वहां का और यहाँ का ना ऐसा है कि 8.5 घंटा दे यार पीछे हैं वो लोग हमसे। सो सुभाष को बोला है तो लेट्स सी अगर वो वीडियो भेज देंगे वहां का, कुछ शॉर्ट वगैरह भेजेंगे तो आई विल शेयर विद यू, बट यस व्लॉग में आप मिस करोगे बिकॉज सुभाष के पीजेस इतने मस्त होते थे, अमेजिंग होते थे। और यस आई ऑल्सो मिस हिम, मैं काफी लोग आपसे बोल रहे थे कि पता चलता है, तो ऑब्वियसली हम लोग 3 लोग हैं घर में और उसमें से भी एक इंसान अगर घर में नहीं होगा तो फ्री तो होता ही ना वो, तो एनीवेज क्या कर सकते हैं, काम किए जाना ही पड़ता है। तो मैंने एक टमाटर छोड़ दिया, मुझे लग रहा है शायद ज्यादा हो जाएगा, तो लेट्स सी अब इसका पेस्ट बनाऊंगी। तो गैस ऑन कर दिया है और मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। सो इसमें डाल रही हूँ जीरा, हींग और एक इलायची, जो पेस्ट है वो तो इसमें डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा नमक एंड में ना मैं चाट मसाला डालूंगी और छोले जो उबले हैं उनमें भी नमक है तो नमक उस हिसाब से आप डालना। और छोले वैसे अन्य को तो खाना ही था, ऊपर से और ज्यादा क्यों कल से बोले, बिकॉज कल सुभाष को ऑफिस में लंच में छोले ही मिले थे। सो सुभाष इज नॉट मिसिंग इंडियन फूड, ऑब्वियसली मिस तो कर ही रहा है, बट एक्चुअली वहाँ पे ना ब्राजील में वही सॉसेजेस और आपकी हैम पोक ये सब बहुत ज्यादा है, चिकन है, बट दूसरे जो आपके होते हैं ना मीट वो ज्यादा है, तो मतलब इंडियन फूड तो मतलब कहाँ ही मिलेगा है, रेस्टोरेंट्स 1-2 है बट बहुत कम है। जो सबसे अच्छी बात है कि उनके ऑफिस में लंच में दे हैव अरेंज्ड इंडियन फूड, सो दाल चावल रायता छोले चावल। सो कल छोले चावल खा रहे थे तो वो बता रहे थे, तो अनन्या का और ज्यादा हो गया कि मैं भी छोले खाऊंगी, मैंने कहा चलो ठीक है। सो ऐसा है, ये है स्टोरी हमारे आज के छोले के पीछे। तो जैसे अच्छे से ये फ्राई हो गया है और छूटना स्टार्ट हो गया है, और इसको ना मसाले को अच्छे से फ्राई करना बहुत जरूरी है, जो धनिया पत्ता है ना उसकी एक रॉ सी स्मेल रह जाती है। तो अभी मैं डाल रही हूँ आपका धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और थोड़ा सा जीरा पाउडर, इसको भी हम भून लेंगे। तो पानी डाल रही हूँ मसाले को फ्राई करने के लिए, डाल रही हूँ मैं ना दही बहुत कम डाल रही हूँ, सिर्फ 1 चम्मच डाल रही हूँ, थोड़ा सा और ले लेते हैं क्योंकि टमाटर बहुत खट्टे हो रहे हैं, और मैं इसमें वो भी नहीं डालूंगी जो होता है ना आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला, बिकॉज बहुत खटास आ गई ऑलरेडी। सो आप टमाटर के फ्लेवर के हिसाब से आप कर सकते हो। सो मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, जो छोले हैं वो डाल दूंगी मैं, बहुत ज़्यादा ना वो पानी वाला नहीं बना रही हूँ, थोड़ा थिक सा ही बनाऊंगी। छोले बन गए हैं, थोड़ा सा मैं इसको मैश कर दूंगी हल्का सा, मुझे थिक सा ही चाहिए। सो हो गया, बंद कर दूंगी। हमारी अनन्या आ गई है स्कूल से, और अनन्या को अनन्या के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे ना उसके बाद, उसके बर्थडे के बाद आज वो गई है फर्स्ट टाइम क्लास में, तो अनन्या को दिखाओ क्या दिखाया, क्या मिले अनन्या को, कार्ड्स दिए उसके फ्रेंड्स ने। आप पॉज करके अंदर पढ़ सकते क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। ओके पॉज करके पढ़ लेना, ये है ना, ये एक फ्रेंड ने दिया है। और तो सारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बहुत सारे प्लान्स किए हुए थे उसके, लेकिन अनन्या की छुट्टी हो गई। ओह कितना क्यूट क्यूट सा है, अनन्या की एक और फ्रेंड है सुरभि, मेरी प्यारी फ्रेंड, उसने बना के दिया है।
ब्लैक पिंक करने को पसंद है, तो उसी के उस पर इतना क्यूट सा बनाया उसने। क्या हुआ नहीं, स्कूल से आके थक गई ना, स्कूल की थकान अलग ही होती है, घर में कितना भी इसको एक्सरसाइज करवा लो, खेल लो, स्कूल से आके नहीं थक जाती है ना। चलो फाइनली अन्या मैडम के लिए पूरी बनाएंगे, पूरी खाएगी कितना पता नहीं, पूरी बना दो। सो गई पहली पूरी, अन्या का इतना मन था पूरी खाने का, इसलिए मैंने पूरियां बनाई भी छोटी छोटी, बिल्कुल अन्या के साइज की, और पूरियां बिल्कुल अन्या के गालों जैसे, लड्डू जैसे गोल 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 फूल रहे हैं। देखो जरा मैचिंग मैचिंग, देखो अन्या के गाल लाओ, अन्या के गाल देखो, दिख ही नहीं रहे अन्या के गाल, अन्या के गाल, और देखो पूरी गोल गोल बिल्कुल। चलो देख बन गया, आपको दे, यहाँ बन गई है। छोले भी गर्म करने को रखा, ये देखो थोड़ी देर बाद ना, उस टाइम पे थोड़ा पानी था ना, तो सारा पानी छोलों ने ना सोख लिया, तो ये कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी लगती है पूरियों के साथ। अनन्या के बिल्कुल फूले फूले पूरियां और छोले, अनन्या बिल्कुल धुआं निकलता हुआ, गर्म कर दिया, ज्यादा गर्म हो गया, पूरियां खत्म करनी पड़ेगी, पूरी 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 करके सर खा गई, हाँ पूरियां खत्म करनी पड़ेगी। पहला मैं खिलाऊं बता आपको, नमक ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एडिट करते हुए मैंने देखा कि मैंने आपको बाय ही नहीं बोला, सो यू ऑल टेक केयर, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड पक्का से लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना और लाइक्स देखना। चलिए यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।